तू भी गिर जा। ये होने के बाद तो हमारी कोई पूछ ही नहीं है, बस पैसों ने रोका मेरा रास्ता। तो भाई टेस्टी भी है यार ये तो, पूरा पूरा हिंदुस्तान का लवर। चीतों को भूख लग रही है बहुत तेज वाली, और भीड़ देख रहे हो चारों। चित्रांश हमारा वेट खत्म होने वाला है, सीधी सीधी आराम से लगने जाए इसके बाद। तुम्हारी भाभी ये पेपर पास कर लेगी तो सीधा। Hi guys, good morning, welcome back in the video. आज का प्लान मैं आपको बताता हूँ। आज जाना है मेरे को बुआ के, दूसरा मोटो को पेपर भी दिलाना, तीसरा यहाँ से निकलेंगे हम। तो आपको ना आज की वीडियो में काफी मजा आएगा, और मैं जा रहा हूँ जयपुर मोटो को एग्जाम दिलवाने के लिए। तो हमारा एग्जाम सेंटर आया है सांगानेर की तरफ, तो हो सकता है वेड्डा वगैरह वगैरह वहाँ पे काफी देखने की जगह है। तो प्लान बन जाए और टाइम मिल जाए तो जरूर चलेंगे। तो अभी आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। और थोड़ा डिले के साथ ना मैंने शुरू किया है वापस, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना अपना, ताकि मैं ऐसे हैप्पी रहूं कि यार इतने दिन बाद शुरू करने के बाद भी अपनी फैमिली रेडी है। होता है ना कि परिवार का बंदा कभी भी कहीं पे गया हुआ वो आते ही ना सब खुशियां वापस वैसे हो जाती है पहले की तरह। तो आप भी ना थोड़ा सा मतलब अपनी फैमिली समझ के जो करते थे पहले, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते रहना। बाकी मिलते हैं आपसे। और भाई इधर हो रहा है खाना पैक, और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वहाँ होटल पर खाए थे, होटल पर खाए थे उसका क्या हुआ था, बेकार खाना था इसलिए जल्दी से मिली हो नहीं। हाँ तो गाइस मैंने इधर गाड़ी भी स्टार्ट करके छोड़ दी है ताकि ये हल्की सी गर्म हो जाए। बाकी गाड़ी की बाहर से शक्ल मत देखना, बहुत खतरनाक हो रखी है। मैं भी है ना एक दिन ससुराल वालों को कपड़े दिलाने गया था, वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन उस दिन है ना ऐसा सीन हो गया, ये जो दिख रही ना चिड़िया की गंदगी, छोटी गलतियाँ ऐसे होती है। मैं भूल गया मेरा चश्मा, उसके चक्कर में वापस आना पड़ा मेरे को दौड़ा दौड़ा। भाई अभी लेते हैं चश्मा। लो चश्मा ले लिया। तू भी गिर जा। और ये पासवर्ड वाला लो, ये पासवर्ड घुमा दो, जब तक ये जो लगा रखे हैं वो नहीं आएंगे तब तक खुलेगा नहीं। मस्त है, कोई चाबी आबी की जरूरत नहीं है, कहीं टेंशन ही नहीं है। और देखो भाई तुम्हारा भाई ना चश्मे से इतना प्यारा लगता है इसलिए चश्मा लगाता है, और वैसे आंखें भी कमजोर हो गई आजकल तो। क्या इधर इस डॉन को देखो, नीना चले घूमी घूमी चलेगा, आ जा। ठीक है मम्मा चलते हैं, प्रणाम। ओके जा रहे हैं, ध्यान रखना। लो गाइस चलते चलते नरेना मार्केट तक तो पहुँच चुके हैं, अब हमें पहुँचना है थोड़ा और आगे। और हम निकलेंगे कहाँ से मोटू, कहाँ से होते हुए निकलेंगे, मतलब बता तो कहाँ से निकलेंगे। आधे लोग गाड़ी में हैं और जो मेन आदमी है वो उतर के आ गया है, यही है मेन। अभी सभी को तेरी जरूरत है। और देखो इसका भी रेट, मेरा भी रेट, रेड रेड। ये होने के बाद तो हमारी कोई पूछ ही नहीं है, बस इसको बुला रहे हैं, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ। देखो सब इसको गोदी ले रहे हैं, मैं तो इसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। देखो नानी को, नानी जी, अ नानी जी क्या हाल चाल है। देखो देखो नीना, यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। और देखो मोटू का सेटअप देखो चेंज हो गया, क्योंकि हमने प्लानिंग किया था बुआ वगैरह के जाने का, तो इसलिए थोड़ा सेटअप को ना चेंज कर दिया। तो फिलहाल अपनी एंट्री हो चुकी है हाईवे पे, घूम गए हूँ मेरे बुआ की तरफ। भाई इधर क्या ही मस्त रोड है, खतरनाक वाली भाई एडवेंचर रोड है ये तो, खतरनाक फुल। और यहाँ का सीन देखो कितना प्यारा है, दोनों तरफ तालाब और बीच में से रोड, पैसों ने रोका मेरा रास्ता। तो फिलहाल गाइस वापस वहाँ से निकल के आ गए हैं, और बुआ है ना उनके आज प्रोग्राम है कोई वहाँ उनके फैमिली में, तो वो आज तो नहीं जाएंगे, तो फिर एक दिन और पापा को भेज देंगे, फिर पापा ले जाएंगे। फिलहाल टोल एंट्री हो चुकी है, अब यहाँ से होगी क्रॉस। और पापा ने बोला था पिछले टाइम कि आप दूर रखना गाड़ी को, यहाँ कुछ ना कुछ लपड़ा फंस गया भाई। तो ये गाड़ी थी नेक्सॉन, इसके टोल वगैरह कट नहीं हुआ शायद। ये लो मॉर्निंग टाइम में ही जाम लग रखा है। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं जयपुर की रिंग रोड पे, इसको इसको खाना नहीं है, इसको बाहर देखना है बस, ये भी देखेगा अच्छे से जयपुर को। तो भाई टेस्टी भी है यार ये तो। तो भाई मैंने ना लस फिनिश कर दी है, अब गाड़ी को बंद करते हैं और मस्त आराम से गाड़ी में सो जाते हैं। तो भाई वहाँ से निकल के हमने एक मंदिर की जगह ढूंढ ली है, और मैंने यहाँ पे गली में गाड़ी भी पार्क कर दी है, यहाँ पे किसी का टच भी नहीं होगी। देखो ऑलरेडी यहाँ पार्किंग है, तो उस तरीके से पार्क कर दिए। जयपुर में यही सीन है, गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है। मेरे को और मेरे चीतू को देखो, हम ऐसे चेकआउट करो, मंदिर के भी ताला है और इधर ये जो पार्क है ना इसके भी ये ताला लगा हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ बाहर बैठना पड़ा है। और अब हम खाएंगे खाना। चीतू यार डिस्टर्ब मत कर यार, चीतू देख मम्मा क्या बोल रही, जा मम्मा के पास जा, जा जा दवाई खानी है तेरे को, जा जा खड़ा होके जा। तो भाई हमने ना खाना पीना खा लिया है, और जितना भी कचरा था वो उसमें पैक कर दिया है। फिलहाल गाइस मोटू तो हो गई एग्जाम देने के लिए, हम लोग जस्ट एग्जाम सेंटर के सामने हमने जगह बना ली है। देखो ये गाड़ियाँ खड़ी थी ना इनके पास में, थोड़ी जगह बना ली, और वहाँ पे देखो मस्त तरीके से आप सोएंगे, यहाँ पे कोई काम है नहीं, बस अपना काम यूट्यूब देखना और कुछ सीखना, तो वो कर लेंगे। इसमें और सिस्टर बोर हो रहे हैं, तो हमारे पास एक खिलौना है उसको बजाएंगे हम, देख रहे हो। हमारा भाई ना शूज वगैरह सब खोल रखे हैं, तो वापस पहनने पड़ेंगे तुम्हारे भाई को शूज जल्दी जल्दी से। भाई पूरा पूरा हिंदुस्तान का लवर बेलपुरी वाले भैया, और क्या ही भाई साहब, एक घंटे से मैं इनको खड़े खड़े से देख रहा हूँ, उनका कार्ड वगैरह देखा है, और देखो एक बार भाई पूरे हिंदुस्तान ही है चारों ओर से, अलग ही लेवल के बंदे हैं भाई। भाई अब है ना चीतू ने तेलका मचा दिया है, अब हम रुक नहीं सकते, अब चीतू के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। कर रहे हैं चीतू बेटा,
हाँ हाँ कर रहे हैं, ये ले भाई इसकी दादा के देखो बस। अब बता तेरे कुछ तकलीफ भी नहीं थी तो तू रो क्यों रहा था? रुक गई ना गाड़ी, अब देखना रोएगा। और वो बेलपुरी वाले भैया के पास में तो आराम से समथिंग 20 से 25 मिनट मान के चलो, 25 मिनट तो कम से कम मान के चलो रुक के आया हूँ, उसकी पूरी स्टोरी देख के आया हूँ। मस्त अच्छा काम कर रहे हैं भाई वो भी। चीतों को भूख लग रही है बहुत तेज वाली, इसके लिए हम पहुँच गए एक जूस वाली शॉप पे, यहाँ से निकलवाएंगे जूस और फिर इसको पिलाएंगे कमीने को। मैंने बोला है भैया को कि तुरंत ताज़ा निकाल दो, वैसे पड़ा है लेकिन मैंने बोला है कि तुरंत अभी निकाल दो एक बार, और बाकी फिर इसको धो के इसमें भर के जूस पिला देंगे इसको। बाबू भूखू लग रही है, देखो भूखू भूखू कुतु 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 कुतु, हाँ ऐसे भूखी लग रही है। तो भाई चीतू का जूस तो बन के आ गया, चीतू ने पी भी लिया और अब चीतू ने फ्रेश मूड कर लिया। कैसे बैठा है मस्त आराम से दीदी के पास, दीदी ने इसकी बुआ लगती है बुआ के पास, और बाकी हम पी रहे हैं यहाँ पे बादाम शेक। अब आतंक मत मचा यार चीतू, फिर यहाँ से वापस जाना है। बस ये जस्ट ही 200 मीटर की दूरी पर था तो मैं सोचा चलो चल के इसको जूस पिला ही देते हैं। भाई ये राजा हिंदुस्तानी दिखने का नहीं, रियलिटी में भी सेवक है। इस बच्चे के पास पैसे थे, वो हल्के से फटे हुए थे, तो इसने बोला पैसे तो रख बेटा, तू इस बच्चे के पास से ना पैसे देखे, उसको बोला बेटा पैसे तू रख, मैं तेरे को ऐसे ही खिलाता हूँ। देखो ऐसे ही खिला रहा है उसको। फिर अब वास्तव में दिल थोड़ा हिंदुस्तानी टाइप का है भाई। अच्छा लगा यार राजा हिंदुस्तानी, बेस्ट ऑफ लक। ओडी की बस, ओडी का लोगो लगा रखा है भाई। 5 बजने वाले हैं और पूरा पूरा इंतज़ार करने के बाद अब मोटो आने वाली है। इसी के साथ ऐसा सुना है कि इस रोड पे बहुत तगड़ा जाम लगेगा 5 बजे के बाद। भाई साहब मैं तो इधर ही मुंह करके खड़ा हूँ ताकि भाग जाऊँ सीधा जल्दी सी। राजा हिंदुस्तानी चला और मेरे को घर जाने में दिक्कत होगी, तो मैं जैसे ही मोटू का पेपर छूटेगा मैं उसको बोलूँगा जल्दी से बैठ और जल्दी से भाग जाएंगे हम, है ना गाइस, क्योंकि हम जाम में फंस गए तो फिर लेट हो जाएंगे क्योंकि आगे भी अभी जाम देखना है हमें। तो फिलहाल गाइस 5 भी बज चुके हैं, जाम लगना शुरू हो चुका है। पुलिस वाले वहाँ पीछे आ गए, हमको बोला कि आगे लो गाड़ी को, आपको आगे लेना ही पड़ेगा। जो ये गाड़ियाँ लग रही ना ऐसे, बस यही गाड़ियाँ लग सकती हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ नहीं लगेगी। सबको उठा रहे हैं, देखो पीछे से आ रहे हैं पुलिस वाले, वो बोल रहे हैं कि हटाओ अब जाम लगेगा इस रोड पे भाई 5 बजते, पता नहीं क्या होता है इस रोड पे। वहाँ से तो पुलिस वालों ने भेज दिया था, गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और इसको लॉक भी कर देते हैं। अब जा रहे हैं हम मोटू को लेने के लिए क्योंकि उसका पेपर ख़त्म होने वाला है। मैं चित्रांश और दीदी जा रही है, स्पेशल आके जगह खड़े तो हो गए हम, और भीड़ देख रहे हो चारों, रेट सभी यही कर रहे हैं कि इस स्कूल में से आए, और यही है आरके स्कूल, बड़ी है काफ़ी। अब यहाँ से आएंगे फिर हम जाएंगे, और सबसे इसको मत खा। देखा जाए तो स्कूल का गेट ओपन हो चुका है। चित्रांश हमारा वेट ख़त्म होने वाला है, मीमा आने वाली है। मीमा का वेट कर रही थी ना सुबह से, बस आने वाली है। एक बार चेकआउट करो भीड़ भाई, अभी छुट्टी हो गई इनकी तो देखो एक एक निकल निकल के आ रहे हैं। तो कहाँ फंस गए आज, चीतू भी फंस गया इनके बीच आज। अरे तेरी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा अभी। मोटू मिल चुकी है, हाँ इसको ले ले, कब से वेट कर रहा है तेरा। चीतू चलो 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 चल सीधी, चल सीधी सीधी आराम से, लग नहीं जाए इसके बस। ओ भैया रुको, ओ रुको इधर से चल ले, इधर से कपो आ जाए भाई। रोड पर देख रहे हो आदमी चलने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ कहाँ से निकलेगी यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले ही खड़ी कर दी बाहर। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं काफ़ी मशक्कत के बाद, चीतू ने काफ़ी ज़्यादा मशक्कत की है चिपकने की। जस्ट अभी दिया हूँ मैं इसको, मेरे चिपक के आ रहा था, अब निकलते हैं वहीं से। तो गाइज हम जयपुर से निकल गए, जयपुर नहीं सांगानेर से निकल गए, और दूसरी बात है ना अब की बार हमने रिंग रोड का जो रास्ता पहले आए थे ना उसको छोड़ के एक शॉर्टकट चुना है सीधा, ये भी उधर से जाएगा और वहाँ जाके मिलेगा हाईवे में, शायद मोखमपुरा के आसपास मिलेगा ये। और गाइज अभी अभी मोटू पेपर देखा है ना, तब मैं उससे पूछ रहा हूँ पेपर कैसा क्या हुआ, और सेकंड ना ऐसे पूछ रहा था मैं कि ये पेपर देते क्या सीधा तो मास्टर नहीं बन जाएगी, तो इसने बोला हाँ भाई मैं तो चौंक गया, तुम्हारी भाभी ये पेपर पास कर लेगी तो सीधा बच्चों ऐसे करने लग जाएगी। फिर गाइस कोई बच्चों बोलेगी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो ये पेपर क्लियर होने के बाद मेरी टाइगी, इसके बाद होगा कुछ, इसके बाद मेरी टाइगी, मतलब ये पेपर क्लियर करना ही बाकी रहा है ना। हाँ ये क्लियर ही है। हाँ तो भाई इसके बाद में तुम्हारी भाभी मैडम बन जाएगी, मैं तुमको बता दूंगा सबके मुंह में कि शक्कर हो जो जो सोच रहा है कि हाँ बनेगी। भाई अभी खतरनाक वाला ट्रैफिक था, लेकिन इस बस के पीछे आने की वजह से है ना ट्रैफिक इतना जल्दी सोल्व हो गया हद से ज्यादा। क्यों मोटू इस बस के पीछे लगा दिया खतरनाक स्पीड से हमने, तो कुछ ही नहीं देखा कि बस बस है तो सब कुछ है, बस जाएगी हम ही जाएंगे। फिलहाल गाइस वहां से तो आ गए सावरदा रोड पे, और आपको एक आतंकवादी दिखूं, ये रहा गाइस देख रहे हो आतंकवादी को, आतंकवादी आतंकवादी तू है ना नहीं, भाई नहीं, तहलका मचा रखा है, इसके लिए जूस बनवाया था ना उसको देखो इतना सा पिया है अभी तक ये, और तेरे लिए खर्चे कर दिए और पी नहीं रहा। पी मैं यहाँ वॉशरूम के लिए उतरा था, और बाकी थोड़े से हाथ पैर सीधे कर लेते हैं भाई, गाड़ी चलाते थक जाता हूँ मैं। तो नहीं उतरेगी, नहीं उतरना
हम चलाती नहीं गाड़ी, तो आप चलाते हो बस। तो फिर फिलहाल गाइज अब हमें निकलना है यहाँ से चैनपुरा, क्योंकि इस चीपू के ना जो भी बिस्तर बो रही है ना वो लेके आना है और बाकी ये पहन रही है अपनी पाइजेम, अपने गहने सब पहनेगी। तो पहुंच चुके हैं चैनपुरा और देखो ये हो गई खराब, डेकोरेशन करवाई थी कोई मतलब की नहीं रही, कमी नहीं। तो गाइज अब है ना देखो 9:09 हो गई है और मामा जी के घर से निकल रहे हैं, खाना पीना हो गया अच्छे से, चुटकी हमारे साथ जा रही है, नीनू और मोटू भी आ गए, बाकी खाना पीना मस्त खा के भाई पेट फुल हो गया, अब जाके सोएंगे सीधा क्योंकि आज थक भी गए यार, ड्राइविंग करते हैं तब पता नहीं थक क्यों जाता हूँ मैं यार। ओ भाई क्या सीन है, आ जाओ अब चले, चीतू आ नहीं रहा, भेज दे चीतू, चीतू आने के लिए रेडी है, जाके लेके आ देख। बोल रहे हम ये रखेंगे चीतू, नहीं नहीं इसके बिना तो हमें गुस्से नहीं देंगे घर। हाँ ओके चले चीतू। फिलहाल 9:43 घर पहुंच चुके हैं, बाहर चल रही है मस्त चक्की देखो, और दादी वेट कर रही थी नीनी का, आते देखो नीनी को लेके भगेंगे वो गए, काम खत्म, हमारा कोई मतलब नहीं है बस नीनी नीनी। चलो हम भी चलते हैं गाइस। I don't ever slow.